हर साल की तरह इस साल भी मुंबई पुलिस का बड़ा फेस्टिवल उमंग 2020 कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के मौजूदगी में पार पड़ा, जहां प्रियंका चोपड़ा जोनस से लेके जानवी कपूर, सारा अली खान, अनिल कपूर, कार्तिक आर्यन और भी कई स्टार्स मौजूद थे। आयुष्मान खुराना अपने मूवी से फैंस को इम्प्रेस करना कभी नहीं भूलते। आज भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान की अनाउंसमेंट करते हुए शेयर किया पोस्टर। वो लिखते हैं, कार्तिक का प्यार होकर रहेगा अमन, ट्रेलर आउट टुडे एट 1:33 PM। बुरे हादसे के बाद शबाना आजमी अपने रिकवरी स्टेज पर है। शनिवार को खालापुर टोल पर हुआ था एक्सीडेंट। जावेद अख्तर, शिवानी डांडेकर, फरहान अख्तर, तबू और कई बॉलीवुड सेलेब्स ने किया हॉस्पिटल विजिट। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और अनिल कपूर को क्यूट मोमेंट शेयर करते हुए किया गया स्पॉट। दोनों भी आ पहुंचे थे मुंबई के उमंग फेस्टिवल में। डालिए एक नजर। सारा जब भी स्टेज पर आती है तो धमाका तो होना ही है। इस बार भी उमंग के दौरान सारा ने लगाए ठुमके। देखिए इस वीडियो को। फिल्म तानाजी पर दिया सैफ ने बड़ा बयान। सैफ का कहना है, कुछ वजहों से मैं कोई स्टैंड नहीं ले पाया, शायद अगली बार ऐसा करूं। मैं इस किरदार को लेकर बहुत उत्साहित था क्योंकि मुझे बहुत ही आकर्षक लगा था, लेकिन ये कोई इतिहास नहीं है। इतिहास क्या है इसके बारे में मुझे बखूबी पता है। मेरा मानना है कि इंडिया की अवधारणा अंग्रेजों ने दी और शायद इससे पहले नहीं थी। इस फिल्म में कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, हम इसे लेकर कोई तर्क नहीं दे सकते। ये दुर्भाग्य ही है कि कलाकार उदारवादी विचार की वकालत करते हैं, लेकिन वो लोकप्रियतावाद से बाज नहीं आते। ये अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। ये सही बात है कि इसकी पॉलिटिक्स का तथ्यों से कोई मेल नहीं है। इसे लेकर मैं केवल एक अभिनेता के तौर पर ही सहमत नहीं हूँ, बल्कि एक भारतीय के तौर पर भी नहीं हूँ। मैंने ऐसी राजनीति पर पहले भी सवाल खड़े किए हैं। शायद मैं अगली बार से ऐसी कहानियों को लेकर सतर्क रहूं। ये रोल मुझे आकर्षक लगा, इसलिए कर लिया। मुझे पता है कि इतिहास नहीं है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि मैंने ये रोल किया क्यों? लोगों को लगता है कि ऐसी फिल्में चलती है, लेकिन ये खतरनाक है। एक तरफ हम उदारता और विवेक की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पॉपुलर तरीके को अपनाते हैं। डेविड धवन हुए गुस्सा। बेटे वरुण धवन और नताशा दलाल के शादी पर दिया ये रिएक्शन। वो कहते हैं, फिर से नहीं, मैं अपने बेटे की शादी के लिए कितनी डेट्स और वेन्यू के बारे में सुन चुका हूँ। हर हफ्ते मुझे बताया जाता है कि वरुण की शादी हो रही है। लोगों को मुझसे ज्यादा पता है मेरे बेटे के बारे में। अब जो नई शादी की डेट सामने आई है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। जब भी वरुण शादी करेगा, इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। वरुण पर अभी शादी को लेकर कोई प्रेशर नहीं है। शादी को लेकर जो भी डिसाइड करना, वो दोनों अपने आप कर लेंगे। मैं और मेरी वाइफ बहुत खुश होंगे जब भी दोनों शादी करेंगे। प्रियंका चोपड़ा जोनस का मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ सिक्योरिटी चेक। डालिए एक नजर इस वीडियो पर। प्रियंका मैम, कार्तिक आर्यन ने बिग बॉस कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के प्यार को किया सपोर्ट। इंस्टाग्राम पर शेयर किया एक पोस्ट जिसमें वो लिखते हैं, लव आजकल विद शहनाज एंड सिद्धार्थ, हैड अ ब्लास्ट इनसाइड माय फेवरेट बिग बॉस 13 हाउस। नागराज मंजुले द्वारा डायरेक्ट की जा रही फिल्म झुंड का सभी को बेसब्री से इंतजार है। खास तौर पर बता दे कि इस फिल्म में बिग बी लीड भूमिका निभा रहे हैं। बिग बी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ झुंड।